इसका मुंह भी नहीं खुल रहा था, इतने इतने मोटे वो बन गए शादी। दूसरा आत्मा इसे बच्चे को बोलती, तुझे लेकर जाना है, हमारे साथ चल, और इसकी जीभ को खींच रही, इसके नजर आती है, कभी दो आते, कभी चार, कभी पांच। यस पिता, मैं घोषणा करता हूं खुदावन, सारा अंधकार चाहे, सारा रोग चाहे। सिस्टर का नाम हरजीत है और जो गैरी गांव के रहने वाले और इनके बेटे की गवाही है। तो इन्होंने लिखवाया है कि इसे 1.5 महीने की इस बेटे को बुखार था और लगातार मेडिसिन दे रहे थे और कोई फर्क नहीं पड़ रहा और बहुत परेशान थी। डॉक्टर लगातार बुखार के इंजेक्शन लगा रहा था पर कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, समझ आ रही है? तो और जब कोई फर्क नहीं पड़ा तो डॉक्टर ने क्या कहा? माइक दो ही नहीं, क्या कहा डॉक्टर ने? जय श्री पापा जी। जय मसीह। पापा जी ने कहा ही इतने जिथे जाते जो थे ला जाओ। नहीं रोवो ना, ये तुम सोच सकते हो ये रोने का कारण क्या है, क्योंकि हालात बहुत बड़ा था। बोलो क्या हालात? हालात बहुत बड़ा था। वो कहता मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि जब बुखार उतर नहीं रहा था तो इसके ना फेस पर छोटे छोटे लिप्स के छोटे छोटे दाने हो गए, तो वो जो संसार में कहते ना माता निकल आई है, तो उसने कहा इसकी रख रुख रखो जो भी है। तो कहते हम तो मसीह में चर जाते हैं, हम इन चीज़ों में शास नहीं करते। तो कहता जो फिर धार्मिकता करते वो करो। हाँ क्या करते हैं फिर? जो आप करते फिर वो करो। और ये एक तो 1.5 महीना हो गया ना, परेशान है। देखो एक ही बेटा है तो सोच आती है, कई सोचें आती ना। तो अब जब नहीं बुखार उतरा उसी कारण उसके मुंह में फेस पर भी क्या हो गए, लिप्स पर छोटे छोटे शाले और मुंह के अंदर भी क्या हो गए, क्या हो गए बोलो? छाले हो गए, छाले, जिसके कारण ये कुछ भी खा पी नहीं रहा था। बड़ा बुरा हाल हो गया, मुंह खुल नहीं रहा था। कितने तारीख इनकी ले हैंड हुई? जब प्रभु बोस के मीटिंग में आए थे मंडे के दिन। मंडे जी? मंडे, हाँ हाँ। अच्छा ठीक है, वो ले हैंड होगा, दिखाओ। छाले मेरे प्रभु, तेरी जीव शक्ति से मैं डांट दूं इसी क्षण। यस खुदा, शैतान शर्मिंदा है, रोग देने वाली आत्मा चाहे जड़ से खुदा तेरी जीवत नाम से, जिस शैतानी आत्मा जो भी पाप का प्रभाव है इस बच्चे के जीवन पर, मैं खुदा तोड़ता हूँ तेरी नाम से, तोड़ता हूँ खुदा तेरी पावर से खुदा। तो जब मंडे को आई तो ये तब प्रेयर हुई, इन्होंने रिकॉर्ड किया, ये सीन रिकॉर्ड था हमारे पास। और जब प्रेयर हुई तो जब घर गए तो क्या हो गया थे, ठीक हो गए थे ना? हाँ जी पापा जी, ठीक हो गए, बिल्कुल ठीक हो गए। जब घर गए तो बिल्कुल ठीक हो गया, एकदम से जो बड़े बड़े शाले थे इसके मुंह खुल नहीं रहा था, कुछ अच्छे से कुछ खाया नहीं जा रहा, पिया नहीं जा रहा था, बहुत बुरा हाल था। तो परमेश्वर ने क्या कर दिया? फ्री कर दिया, बिल्कुल ठीक हो गए। खाना खाया था इसने? हाँ जी पापा जी, खाना खाना भी खाया। फिर उसके बाद क्या हुआ, कितने दिन के बाद क्या हो गया फिर? फिर हो गए ही जख्म हो गए। कितने दिन के बाद? जे आए रोटी खांदा हुंदा है ना, ओदो दे बाद च फिर हो गए। मतलब जैसे यहां से गए अगले दिन ठीक रहा और उसके अगले दिन फिर वही हालात उतना ही आ गया। क्या आ गया? और ये फिर डर गए। तो मैंने कहा डरो नहीं, बोलो क्या है? डरो नहीं, विश्वास रखो, जो वचन परमेश्वर ने दिया उसे पूरा करो। प्रार्थना में आऊं लगाओ, 2-3 दिन लगातार प्रार्थना में, 4 दिन क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और जब दोबारा हुए तो इसका हालात पहले से भी ज्यादा हो गया था। क्या हो गया था बोलूं? उस समय की हमारे पास पिक होगी, दिखाऊं, ये देखो पूरी जीभ इतने इतने मोटे क्या बन गए थे, और देख लो पूरी जीभ भरी है, इसका मुंह भी नहीं खुल रहा था।
इतने इतने मोटे वो बन गए शाले। और उस दिन भी जब आए, ठीक है ओके, तो मैंने फिर से उत्साहित किया, प्रार्थना की, मैंने कहा जाओ परमेश्वर आपके साथ हैं। और फिर उसी दिन फिर ये, फिर जब यहां से घर गए, देख लो कितने मोटे मोटे हैं, उसी दिन परमेश्वर ने फिर इसे पूरी तरह का कर दिया, फ्री कर दिया ना। हाँ जी पापा जी। अब ये खाना खा रहा है। हाँ जी। बोलो क्या खा रहा है। हाँ। कोई दर्द नहीं, मुंह खुल रहा है, इसका मुंह भी नहीं खुल रहा, बहुत ज्यादा इसकी हालत खराब होगी। हाँ जी पापा जी। अगर मेरे आंदा आंदा रहे हैं, कभी मेरे गाड़ी पांच जाने, कभी दो जाने। क्या कहता था जी? बता रहे कि नेगेटिविटी के प्रभाव के कारण इसको कुछ ऐसे दिखाई देते थे, जैसे कोई दो जाने या पांच जाने, तो वो इसकी जीभ को जैसे खींच रहे थे। तो अच्छा, जिसके कारण कोई दुष्टात्मा ही इसे नजर आती थी, जैसे कोई दो चार पांच जाने ऐसे नजर आते थे, कभी दो कभी चार कभी पांच, और इसकी जीभ को खींचते। क्या करते हैं? जीभ को खींचते हैं। हाँ, और क्या करते थे? अच्छा, वो दुष्ट आत्मा ही कहती थी मेरे साथ चल लो। हाँ, देख लो जी। हाँ, दुष्ट आत्मा ही इसे बच्चे को बोलती, तुझे लेकर जाना है, हमारे साथ चल, और इसकी जीभ को खींच रही, इसके नजर आती थी, कभी दो आते कभी चार कभी पांच। और जिस दिन फिर आप दोबारा आए, उस दिन प्रार्थना हुई, सही रहे। अब देखो जीभ, मुंह खोलो, कैमरे में दिखाऊं, चुम करो पूरा। हाँ, अब ये देख लो, लगता ये निशान से ही है। आज ब्रश किया था सुबह? हाँ। क्योंकि बच्चा है ना छोटा, अभी थोड़ा सा डर है कि वो मेरे क्या हुआ है, आज करना है, खुदा ने तुझे छू लिया है, ठीक है ना। अब खाली निशान है, मुंह पूरी तरह खुल रहा है, सब खुदा ने फ्री कर दिया है, अब खा रहा है पी रहा है, बिल्कुल फ्री है। तारीफ करो, जोर से तारीफ करो। संत रस्ते यीशु जी खोले, जदों दास खुदा दा बोले। संत रस्ते यीशु जी खोले, जदों दास खुदा दा बोले। बड़े बड़े कम हुंदे ने, बड़े बड़े कम हुंदे ने, जो सुना विच दन दियो बोले। खुशी से बंद रस्ते खुल देने, ये दो यास यसू जी दा बोले। बंद रस्ते खुल देने, ये दो दास यसू जी दा बोले। फिर बड़े बड़े कम हुंदे ने, फिर बड़े बड़े कम हुंदे ने, ओ यसू ना विच जद भी ओ बोले। रस्ते यसू जी खोले, जदों दास यसू जी दा बोले।